फ्रेंड्स आ गई हूँ मैं, ये स्पार्कल, ये सैश मतलब बर्थडे बैंड और ये केक लेकर। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शेख हुमा, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। अच्छी हूँ मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह। सो फ्रेंड, आज है 1 अगस्त और दिन के बजे हैं अभी 2:25 और मैं रेडी हो गई हूँ, बस चेंज करना बाकी है। और आज मेरी फ्रेंड है ना सोनम, उसका बर्थडे है 1 अगस्त को, उसका बर्थडे होता है और उसकी केक का ऑर्डर मैंने कल शाम को ही दे दिया था और 12 बजे करीब जाके मैं ले भी आई। तो बस मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ और फिर आप लोग से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने चेंज कर लिया, अभी जाती हूँ, निकलती हूँ मैं। पहले भावना को पिक करूंगी, फिर उसके बाद हम लोगों को कुछ काम है वो करेंगे और फिर हम सोनम को पिक करेंगे और फिर जहाँ भी जाना है वहाँ जाएंगे। तभी मैं निकलती हूँ। चलो ये सारे सामान उठा लेते हैं। ये तो केक है और ये उसका गिफ्ट है, ट्रेंड से मैंने उसके लिए कुर्ती ली थी, तो ये वो है। चलते हैं आप। आ गई हूँ फ्रेंड्स भावना के घर के नीचे, खड़ी हूँ, उनको फ़ोन कर दी हूँ, वो आ रही हैं। और मेरे निकलते ही इतनी तेज़ बारिश होना स्टार्ट हुई ना कि क्या बताऊँ। बड़ा तो वेट करवाई। हेलो, लेट आई है, मैं तो देखो पर्स रखा है मेरा। अच्छा, यहाँ थोड़ा काम था भावना को, चढ़ हो गया है पूरा। आओ, हो गया काम यहाँ का, चलते हैं अब यहाँ से। उनको कुछ कुछ लेना था वो ले ली। ये भावना गई है फ्लावर शॉप रोज लेने, कहाँ गई दिखी नहीं रही, वो देखो दिख रही। रोज़ ज़रूरी होता है बर्थडे में, बिना रोज़ के बर्थडे विश करना हम लोग का नहीं होता, मतलब मज़ा ही नहीं आती बिना रोज़ के। तो रोज़ ले रहे हैं पहले, उसके बाद हम जाएंगे सोनम को पिक करेंगे, फिर जहाँ जाना है वहाँ जाएंगे। ले ली। कितने ली? ऐसे फूल मिले हैं ना, क्या बताऊँ, 3 मिल गया। अच्छा ना, दिखाओ। ठीक ही है यार, ये देख। सही है, पर हो गया ना, मैंने कहा कली वाले लिए तो खिलेंगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा, खिले हुए ना बेकार हो जाते हैं। चलो चले। हम यहाँ वेट कर रहे हैं सोनम का बर्थडे गर्ल का और वो आ ही नहीं रही है, उसका आने का मन ही नहीं है लगता है। हाँ, उसके घर के मतलब घर के अंदर तो नहीं, बाहर रोड पे खड़े हैं कि आ जाए, तो मैडम आ ही नहीं रही है, शायद तैयार हो रही होंगी अच्छे से। क्या बोल रही? मैंने कहा फोन अंदर रख दिया होगा उसने, उठाई नहीं फोन, फोन नहीं उठाई, चौथी बार कॉल किया। देखो 4-5 बार कॉल कर दी, वो कॉल ही नहीं उठा रही है, ये ऐसे ही हमेशा करती है, इसलिए मेरे को इससे मेरी लड़ाई हो जाती है इसी बात में। अस्सलाम वालेकुम, लाल छड़ी मैदान खड़ी, बेचारी आ ही नहीं पा रही, जल्दी आना दौड़ के। बर्थडे गर्ल खड़ी है वहाँ बाहर और हम तैयारी में उसको बर्थडे विश, हम उसको विश करने के लिए कब से बैठे हैं, पर वो खड़ी है वहाँ पे। वो इसलिए खड़ी है क्योंकि वो अपना चश्मा भूल गई, हम लोग का चश्मा देख के उसको चश्मा याद आया है, फोन करके अपने घर से मंगवा रही है चश्मा। रहन दे, मत लगा, धूप नहीं है, धूप नहीं है, चश्मा मत लगाओ, धूप नहीं है, धूप फोटो खिंचानी है, फोटो फोटो खिंचाने के लिए। बाकी अब आने लगी है धूप थोड़ी थोड़ी, धूप आ रही है ना, फिनिश हो रहा है। बहुत बहुत मुबारक हो तुमको आज का दिन। लो हमसे अभी हाथ मिला लो, बाद में हग करेंगे, बाद में। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। चलो बाद में, वहाँ पे अब गाड़ी से उतरना पड़ेगा ना, इसलिए वहाँ पे हग करेंगे। चलते हैं, बर्थडे गर्ल आ गई है। हाँ। अब चलते हैं यहाँ से, कितनी अच्छी दिख रही है। हाँ, बिल्कुल बहुत सुंदर। अभी हम आए हैं गाड़ी में फ्यूल डलवाने, डल गया फ्यूल, मौसम बहुत अच्छा हो रखा है आज यहाँ। जमाने का गाना लगाया हो अपना, मेरे को बोल रही तेरी पसंद अच्छी नहीं, अपना पसंद इतना अच्छा पड़ा रहा है सबके साथ, आ रहा है जिसका टाइटल टाइटैनिक, भावना को हमारी इसी टाइप का गाना पसंद है, जिसका टाइटल टाइटैनिक। किधर जाना है बस रोक ले, नारा दिखा करके डुबो दे गया छल्ला मेरा आशिक छल्ला वल्ला मेरा बलमा छल्ला वल्ला। पानी देख, अगले देखिए कि नहीं,
चलो यहाँ हम एक जगह आ गए हैं, यहाँ पे केक कटिंग वगैरह करेंगे, थोड़ा सा वीडियो शूट फोटो शूट करेंगे और उसके बाद कहीं आ जाएंगे। चले केक कटिंग करवाए, वैसे बहुत देर हो गया है। देखो कितना ग्रीनरी दिख रहा है। हैप्पी बर्थडे, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। रोज तो निकाले ही नहीं हमने, सूखा सूखा विश कर दिया, रोज रख के भी लाओ करते हैं। अब इकट्ठा देते हैं दोनों लोग ना। हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस एंड प्रोस्पेरस लॉन्ग लाइफ। चलो अब यहाँ पे करते हैं हम केक कटिंग। चलो बर्थडे गर्ल, निकलवाई रे, क्या नहीं निकलवाई? कट गया। ओ ये ली है, कांटे वाला फूल, कांटा नहीं निकलवाई। सोनम को कांटा लगा, ये निकल रहा है केक। देखो ये केक मैंने बनवाया है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। सोनम यार हैप्पी बर्थडे, मैं लाई हूँ, रखी हूँ लाइटर, रखी हूँ, मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ। ये देखो लाइटर, नहीं पता था ये रेड पहन के आ रही है, वरना मैं कुछ और कंट्रास्ट में लेती ना, पता होता पहले से तो दिख रहा है अलग से। क्वीन, आई एम क्वीन, खींच गई फोटो, पोस्ट दी, रुक जाओ मैं आ रही। क्या है यार, ये चल तो रहा है यार, खुद गिराना पड़ रहा बेचारी। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे सोनम, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर सोनम। बहुत तेज से भूख लग गई यार, क्या करना है, फोटो खिंचाना है, फोटो खींचते हैं हम लोग। ये देखो चढ़ के सनरूफ में चढ़ के वीडियो फोटो खिंचवाना है। चलो चलते हैं यहाँ से, केक कटिंग हो गई, फोटो शूट हो गई, वीडियो बन गई, अब चलते हैं यहाँ से, चलते हैं पेट पूजा करने। किधर चलना है? अतिथि, अतिथि, अतिथि हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट है, वहीं जाते हैं हम बस, और कहीं नहीं जाते। नहीं जाते, बहुत जगह है लेकिन ज्यादा अच्छा वो, हाँ मेन बात का खाना अच्छा, टेस्ट खाना अच्छा रहता है, खाने का टेस्ट अच्छा रहता है, कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ मौसम अच्छा था ना आज का, बहुत अच्छा, तो फोटो शूट अच्छे से हो गए, हम लोग का पसीना वगैरह नहीं आया। और अब सर जी तो आज गए हैं बैंक के, तो भूख लगी बहुत तेज से, अभी इस छोर से उस छोर पे जाना है हमको। आने में टाइम लगता है, जाने में टाइम नहीं लगता। सोनम कैसा लगा तुमको तुम्हारा बर्थडे? इसको स्पॉन कर दे, हाँ खोल दे सनरूफ। मुझे मतलब ये तो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था तुम दोनों का आना, और सरप्राइजिंग की क्या बात है, की क्या बात है, देखो पिछले साल हम नहीं आए है ना, ये तो तेरे बर्थडे में आती है, पिछले साल मैंने थी। मगर एक चीज मैंने कहा था कि पिछले साल अपन भावना नहीं थी, है ना, और हमने इतना मिस किया, और हुमा बाजी ने मेरे को
इतना अच्छा, मतलब बोलते ना एक सबका कंप्लीट मिक्सचर, वो कंप्लीट उनने सब कुछ किया मेरे लिए। तो ये चीजों को मैं कभी नहीं भूल सकती और ना ही भूलूंगी। और आज का तो मतलब बिलीव नहीं हो रहा था कितना अच्छा मेरा बर्थडे तो आज कितनी बारिश हो रही थी, पता नहीं हमें लगा बर्थडे मना भी पाएंगे नहीं, बस खाली वैसे इतनी तेज झमाझम बारिश हो रही थी पर जैसे हम सोनम के घर तक पहुंचे हैं बारिश बंद हो गई। मेरे को तो ऐसा लगा कि शायद का भी आज इतना बड़ा गिफ्ट था मेरे लिए कि पानी नहीं गिरा, पानी नहीं गिरा, मौसम इतना अच्छा था, बारिश गिर के बंद हो गया। मैं वही कही ना कि ऐसा लग रहा था शायद गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव लेके वापस आना पड़ेगा। नहीं क्या हुआ, ऐसा था ना कि इतना तेज बारिश थी, इतनी तेज बारिश लग नहीं रहा था कि बंद होगी। जैसे बंद हुई, जैसे हम इसके घर पहुंचे हैं वैसे ही बारिश बंद हो गई, तेज बारिश हो रही थी हमारे साथ। इतना फोटो सेशन हो गया, सब कुछ हो गया, कितनी कस के भूख लगी है, भूख लगी है, मतलब जाना है। लेकिन क्या है, हमारा फोटो सेशन बहुत दूर था और हमें रेस्टोरेंट में बहुत दूर जाना है, मतलब जैसे हम पूरब में थे हमें पश्चिम में जाना है, ऐसा वाला हाल है। क्योंकि बस केवल अदिति का खाना अच्छा है, हमें अदिति खाने जाना है, इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ा कि चलो ठीक है भाई अच्छा खाएंगे, देर से खाएंगे अच्छा, दूर जाएंगे पर अच्छा खाएंगे, है ना, यही चीज है। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे रेस्टोरेंट में, थोड़ी देर से। चलो आ गए हम अतिथि, और क्या निकालना है, रोज निकाल लेते हैं। ये अतिथि आ गए हो अपना रेस्टोरेंट पहुंच गए, ये शक्ल अजीब हो रही है क्या, आ गए हम अब वेन्यू, खाना पीना मतलब आप खाएंगे क्या ऑर्डर करेंगे। मैं ना पोज बनाने के लिए बैठ जाती हूँ, हमेशा ये बस उनको फोटो चाहिए, वीडियो भी होती है कुछ, मैं सोचती हूँ कि चलो फोटो खींच रही हूँ तो मैं ऐसा पोज बना के। क्या क्या ऑर्डर किए हैं वैसे हम लोगों ने, ऑर्डर किए हक्का नूडल्स है ना, और चिली पनीर, और हरा भरा कबाब, और एक वेज पीस, वेज पिज्जा। हाँ मंत्रा खाएंगे यार, कितना सारा टक्कर तो और कह रही थी, मैंने कहा नहीं फिर रात में भी तो खाना है। आज सोनम आज तो मुंह देखेंगे, आज सोनम की पूरे मंथ की सैलरी जाने वाली है। नहीं नहीं सोनम बस दिल से बड़ा है। हम खाएंगे, आ गया केक, अब हम खाएंगे पहले केक। भावना को केक बड़ा अच्छा लगा है ना, बहुत टेस्टी केक था यार, मैं टिश्यू नहीं रसमलाई और वहाँ आनंद बेकरी का ये रसमलाई प्लस इसमें मैं अलग से करवाई हूँ ना चॉकलेट वाला। अच्छा। अलग से नहीं लग रहा आपको, सिर्फ रसमलाई नहीं है ये, सिर्फ रसमलाई, रसमलाई अच्छा भर भर के है। मेरी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे गिफ्ट है, बहुत सारे बैग्स हैं, नहीं बैग्स नहीं कुर्ती है, हम कुर्ती लाए हैं, बने रहो हमेशा, मैं यही चीज चाहती हूँ, तुम्हारी दुआएं मेरे साथ रहे। सोनम ने क्या मार दिया, डायलॉग मार दिया, ऐसा नहीं लगता है कि जैसे सोनम से छोटी है ना, इसकी बातें सुनो जा सकता है कितनी बड़ी है, मैं अलग को देख के लगता है कोई है। नहीं नहीं बात वो नहीं होती, देखो रही बात है अगर तुम दोनों, देखो ये आ गया हक्का नूडल्स, अगर तुम दोनों नहीं हो है ना, डर के मारे सुनो ना मेरी बात यार, तो अगर तुम दोनों नहीं हो तो क्या गिफ्ट का कोई वैल्यू है, बिल्कुल नहीं है ना, इंसान के रहने का गिफ्ट का वैल्यू नहीं होता, इंसान का वैल्यू, इंसान का वैल्यू। चलो खाते हैं, बहुत देर से भूख लगी मुझे, मैं सुबह से कुछ नहीं खाई, टूट पड़ो, सुबह से कुछ नहीं खाई हूँ मैं, चलो निकालो। 7 बजे पहले तो यहाँ से नहीं निकले। सही बात है, पहले यहाँ से तो फ्री हो जाए फिर दूसरी वाली पार्टी का सोचे। ये आ गया मंचूरियन, और ये आ गया हरा भरा कबाब, हक्का नूडल्स हम लोगों ने खा लिया, सर्व कर दीजिए। खाएगी सोनम, ये बर्थडे गर्ल इसका खाएगी पूरा, खत्म करेगी। ये देखो पिज्जा आ गया, कितना सारा खाएंगे यार हम लोग, सब रखा हुआ है अभी, वैसे ही खाओ जल्दी जल्दी ये पिज्जा। पीते हैं अब हम, कैसी मीठी तो नहीं बहुत ज्यादा, ठीक है ज्यादा मीठी नहीं है, मैं यहाँ जैसे पीते वैसे। हाँ ये अच्छा होगी, बहुत ज्यादा मीठी नहीं रही, मतलब पी नहीं पाती मीठी के चाय, मैं बस
सोनम का तो आज पूरे टाइम फोन आया है, पूरे टाइम ये बात कर रही है फोन पे, फिर देख रही है हार्ट अटैक ना आ जाए सोनम को। भावना का चश्मा, चश्मा मस्त लग रहा देख, है ना, मेरे को भी चाहिए सेम ऐसा ही। कब तो कहाँ ना चलेंगे अपन। हाँ ठीक है, कल परसों जब भी, अच्छा लग रहा ना। हाँ मस्त लग रहा है, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। ये चलते हैं, रोज का रोज। आप केक उठाइए, चलते हम निकलते हैं ऐसे। हो गया सारा कुछ, खावा लिए, 8 बजे फिर आना है पार्टी में, यहाँ नहीं कहीं और। चलो वही तो, दो बार पार्टी बहुत ज्यादा हेडेक हो जाता है यार, बहुत ज्यादा एक ही बार होना चाहिए, या फिर इसको दूसरी पार्टी रखना था तो दूसरे दिन रखना था, उसी दिन रखी है। अच्छा, एक ही दिन होता है, एक ही दिन होता है। अरे यार तब भी यार पार्टी तो कर सकते हैं, अभी 6 बजे 8 बजे फिर से आना दोबारा पार्टी में। चलो फिर यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। बर्थडे गर्ल अभी सड़क खराब हो गई है। चलो क्या हो गया, मिलते हैं 8 बजे, 8 बजे मिलते हैं फिर से दोबारा से। ओके, अभी इसको छोड़ के जा रहे हैं हम, भावना को छोड़ेंगे। चले, शीशा खुला हुआ है, जब जा रहे थे तो बाद मिलते हैं। गाड़ी में लाइट ऑन रहती है क्या? हाँ अच्छा, ऑटो है ना। मिलते हैं 8 बजे, 8:30 बजे ना। थक गए हैं, हाँ बहुत थक गया, हिम्मत नहीं है पर क्या करे, आना पड़ेगा। मिलते हैं, बाय। आ गई हूँ फ्रेंड्स वापस एक पार्टी से, अभी दोबारा वाली पार्टी में फिर से जाना है। अभी बजे हैं शाम के 6:40, हमको जाना है 8 या 8:30 तक, और मतलब दोबारा पार्टी में जाना है, मतलब दोबारा से रेडी होना पड़ेगा। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है पर क्या करें, जाना ही पड़ेगा। तो पहले मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, अब 7:30 तक उठूँगी, फिर रेडी होंगी और फिर जाऊँगी पार्टी में। तो बस मिलती हूँ मैं आप लोग से दोबारा वाला रेडी होकर। रेडी हो चुके हैं फ्रेंड हम दोबारा, और भाई जा रहा है हमको छोड़ने, तो भाई आ चुका है, नीचे खड़ा है वो, तो बस हम निकलने लगे हैं। बारिश हो रही है फ्रेंड बहुत ज़्यादा, ये देखो फ्रेंड कितनी बारिश हो रही है, ये देखो। चलो चलो पहुंच गए हम ये बर्थडे घर, जल्दी जल्दी बेचारी रेडी हुई है, फिर से हम लोग को रेडी होना था। भावना ये प्यारी लग रही है, नहीं तो भी ड्रेस इनको मिल गई, उस दिन नहीं मिली थी ना, साइज नहीं मिला था कोई स्टोर में, तो ऑनलाइन मंगा लिया इन्होंने, पर मंगा लिया। कैसी है? चलो केक कटिंग होगी, इसको दे दी यासर को, खुद ही का बर्थडे खुद ही चला रही है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर सोनम, हैप्पी बर्थडे टू यू। ताली बजाओ सब तो जोर जोर। सुनो सोनम, दीदी लोग ना कौन चाहते हैं उनका बढ़िया केक आप रख दीजिए, लास्ट में सर्व लास्ट में। भावना कर रही है सर्व, पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही हो कि नहीं।
तैयारी हो रही है। हाँ देख रहे ठंडा होने से बेचारे कब से बैठे हैं। अभी स्टार्टर चल रहा है, उसके बाद स्टार्टर चल रहा है अभी, फिर उसके बाद खाना होगा, मेन कोर्स। इसके वो जहाँ जॉब करती है ना, ये बता ना, मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ मेरे पूरे कलीग्स को मैंने बुलाया है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको, उन्हीं के लिए। और इन लोग तो वो हैं, क्या बोलते हैं जो देखते देख रेख करता है, मैनेजर है, जो हर चीज़ देख रेख करता है। ये दो मेरी फ्रेंड्स हैं ना, दो फ्रेंड्स हैं, वो लोग पूरा दो फ्रेंड्स से पूरा देख रेख कर रहे हैं अपनी दोनों आँखों से। हम लोग अरेंज कर रहे हैं, मतलब अरेंज करवा दे रहे हैं, क्योंकि अकेले पड़ती ना ये, तो सपोर्ट तो हर किसी को चाहिए होता है। और नहीं रही बात, एक ऐसा सपोर्ट चाहिए रहता है जिसके ऊपर ट्रस्ट हो इंसान। तो उन लोगों को ऊपर छोड़ दिया था कि तुम लोग कैसे भी कर देना। तो हम लोगों ने अभी स्टार्टर ऑर्डर किया है, अब जब स्टार्टर हो जाएगा तो उसके बाद हम करेंगे खाना ऑर्डर। यहाँ का व्यू बड़ा अच्छा लगता है मुझे, बैठी आराम से खा लो। हम डिसाइड कर रहे हैं खाने का मेन्यू, पनीर बटर मसाला, खाना ऑर्डर कर रहे हैं फ्रेंड। फोटो सेशन चल रहा है वहाँ सोनम का, सोनम का उसकी कलीग्स के साथ, और भावना बेचारी, भावना बेचारी थक के उनका बुरा हाल हो चुका है, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, दो दो पार्टी एक दिन में नहीं हैंडल होती। सही में अब अगली बार से अगर ऐसा हुआ ना कि दो पार्टी एक दिन में, तो भैया तुम रात वाली कर लो और हम लोग वाली अगले दिन, हाँ ये ज़्यादा बेटर रहेगा ना, बहुत थकान हो जाती है बहुत ज़्यादा। और वहाँ चल रहा है फोटो सेशन, ये देखो पैर भी दर्द होने लगा ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि कम्फर्टेबल सैंडल पहन के पैर दर्द हो गया मेरा। हाँ हील्स पहनी हूँ ना मैं दिन से, इसीलिए लग गई हमारी प्लेट, हम लोग खा रहे हैं खाना। तो तुम ले, अब हम लोग भी खा ले रहे हैं खाना, क्योंकि 11 बजने वाले हैं, उनको जाना भी है मुझे भी जाना है। हाँ मम्मी हो गया पार्टी हमारी, चलते हैं यहाँ से। सोना क्या रहे बाय सब लोग जाने लगे हैं अब सोनम से मिल मिल के। चलो चलते हैं, हो गया यहाँ का बारिश, बहुत जल्दी हुई है भैया, बहुत तेज बारिश हुई है। चलो मेरी गाड़ी की धुलाई हो गई। चले हो गई पार्टी दोनों पार्टी खत्म, फाइनली फ्री हो गए। बहुत खतरनाक थक गए हम लोग, सब लोग चले गए, हम लोग भी आ गए। भावना जा रही छोड़ने, मुझे भाई को मना कर दी मैं, क्योंकि लेट हो रहा था, भाई फोन कर रहा था आऊँ, बोली हो गया जा तू, भावना छोड़ देगी, तो भावना जा रही मुझे छोड़ने। देखो फ्रेंड्स का यही फायदा है भाई, गाड़ी है तो चलो ठीक है, कभी हम आ गए कभी आप आ गई, बस यही चलता है। हम लोग ऐसे ही करते हैं, किसी एक ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, जिसका जैसा रहता है वैसा हम लोग कर लेते हैं। तो बस फाइनली पार्टी हो गई, हमारे दिन की पार्टी अच्छी थी यार, दिन की पार्टी में क्या हुआ ना, फ्रेश थे बिल्कुल। इस समय हम लोग बहुत ज्यादा थक गए थे, इस टाइम बहुत ज्यादा थक, इस समय बस ऐसा हो रहा था कि बस जाए बस जाए, लग रहा घर पहुंचे, अच्छा लग रहा था सोनम को अकेला छोड़ के आए, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था जब उसके पूरे गेस्ट चले गए ना, तब फिर हम आए हैं। तो अभी बस खाने में, खाने के लिए बस सोनम ही बची है और एक
उनकी दीदी बची, एक दीदी बची है बस, बाकी सारे लोग खा चुके हैं, हम भी खा लिए और बस अब जाते हैं घर। मैं जा रही हूँ, मुझे छोड़ेंगी और फिर छोड़ के घर चली जाएंगी। सो जाएंगी। क्या अभी बारिश नहीं, बंद हो गई। ये थकी हारी अभी इनको अपने पति के लिए खाना बनाना है, क्योंकि इनके हस्बैंड जा रहे हैं बाहर, तो उनके लिए मतलब थोड़ी बहुत पैकिंग भी करनी है और नक्शा वक्शा बना के भी देना। तो बेचारी को अभी एक छोटा सा काम और है, मतलब घोड़ा बेच के सोने वाली है आज ये। नहीं सो पाऊंगी यार, सुबह 6 बजे जिम जाओगे? जिम तो नहीं, वो हस्बैंड चले जाएंगे तो जिम तो नहीं जा पाऊंगी। हाँ। लेकिन ये तो स्कूल जाएगा ना, इसके हाँ। सुबह उठना पड़ेगा। हो गया तो मतलब भेज के फिर सो जाना। नहीं आती यार, फिर मेरी नींद यही दिक्कत है मुझे, अगर मैं एक बार उठ गई तो फिर उठ गई बस। सबके साथ यही होता है, एक बार अगर नींद खुल गई तो फिर खुल ही जाती है। क्या हैबिट है रोज इतने बजे उठने की, रुक जाना बोलती हूं। चलो आ गया हमारा घर, चलते हैं अब। थैंक यू सो मच। बाय कुकू, वो पहले ही से बाय कर रहा है। बाय, वो भी इसको ना वो 10 बजे सो जाता है। हां चलो बाय, बाय बाय। तो बस फ्रेंड आ गई मैं घर, वापस हो गई पार्टी शार्टी, और बस इस ब्लॉग को मैं यहाँ पर एंड कर देती हूँ। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोग से बहुत जल्द न्यू ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके फ्रेंड, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।